हाँ जी बच्चे, वी हैव स्टार्टेड चैप्टर अबाउट कबड्डी, नाउ फोर्थ स्टेंजा। कबड्डी की खेड पंजाब के वक् वक् इलाकों में अनेक रूपों में प्रचलित रहे हैं। कबड्डी की खेड के पंजाब के वक् वक् इलाकों में अनेक रूप, इस दी एक विशेष भूगोल रूप सोंची पक्की होंदी सी। असल में सोंची तो ही कबड्डी दी होर किस्म विकसित हुई हैं। एक किस्म की गूंगी कौडी या चुप कौडी भी सी, जिसनों अंबरसरी कौडी भी कहा जाता सी। बच्चे, इस पैर सारिया अलग अलग तरह की कबड्डिया, अलग अलग टाइप दियाँ। इस कौडी विच मार कुटाई काफ़ी होंदी सी। बालवी कौडी विच दायरा बहुत तंग होंदा सी। धावी नूं इक जाफी दे हत्थों छुट जाण तों बाद दूजा जाफी, फिर तीजा, फिर चौथा जाफी वार वार जफे ला सकते हैं। बच्चे, यू हैव टू अंडरलाइन लाइक दिस वे हाउ आई हैव डन, बिकॉज इन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यू विल नीड इट। लाहौरी कौडी विच दायरा नहीं सी हुंदा, सिर्फ छे ढेरियां हुंदियां सन। जाफी ते तावी दो ढेरियां उत्ते खड़ के खड़े हो जांदे ते विरोधी तीर दी ढेरी नूं हत्थ ला के जां उपर दी गेड़ा कढ के घर परतना हुंदा सी। लाइलपुरी कौडी विच पानी दे कुट भरन दी भी इजाजत नहीं सी। फिरोजपुरी कौडी विच खिडारी हंदियां तों काफ़ी दूर ढेरियां ते खड़ोंदे सन। इंज ही एक छे हंदी कबड्डी सी ते इक शिमलियां वाली कौडी। पीर कौडी धन पोठोहार दे इलाके विच खेडी जांदी सी। इस कौडी की विशेषता यह सी कि धावी नूं अग्गों दो बंदे घेरदे सन। बैठवीं कौडी, घोड़ कौडी, चीरवीं कौडी, लम्मी कौडी, दोधे दे बुरजियां वाली कौडी आदि कबड्डी दी होर स्थानक वनगियां सन, पर हुण सारियां कबड्डियां ने अजोकी दायरे वाली कबड्डी का रूप धारण कर लिया है। कबड्डी कौम स्टाइल इस तो वक्री है, यानी जो उपर वाली सारियां दसियां उन्होंने मिला के एक कबड्डी है सिर्फ दायरे वाली, तो कौमी स्टाइल कबड्डी अलग है। पंजाब स्टाइल कबड्डी जिसनों दायरे वाली कबड्डी कहा जाता है। बच्चे अंदर आ जाएगा कि मैं तुम्हें दस दिता जाता कि 22 मीटर का दायरे च खेडी जाती है, 15-75 फुट का दायरा कहा जाता है। 22 मीटर तक फीता खोल के केंद्र तो आले दुआले दायरा लकीर लिया जाता है, जिवें आप प्रकार चलाते कंपास विचकार सीधी लकीर का पाड़ा खिंच दिता जाता है। उस पाड़े के विचकार 6-6 मीटर के विच दो ढेरियां जिन्हां नूं हंदे कहा जाता है। इन्हां दे विच खिडारी ने कौडी पहुँच जाना ते वापस आना हुंदा है। 14-14 खिडारियां ते निर्भर हुंदी है एक टीम। 4-4 खिडारी राखवें यानी रिजर्व, एक टीम दे पाड़े दे एक पासे, दूजी टीम दूजे पासे खड़ती है। खेड दी पोशाक सिर्फ कच्छा ही हुंदी है, पर हुण किते किते खिडारी बनैन भी पाउण लग पए हन। खेड दे मैच दा समां 20-5-20, भाव 20 मिनट दी गेम, 5 मिनट दी ब्रेक, फिर 20 मिनट दी गेम। सिक्का उछाल के टास का फैसला किया जाता है। टास जीतने वाली टीम की उछल होंदी है कि मन पाउंदा पासा मल्ले जा कौडी पाउण दी पहल लै लवे। वधेरे अंक हासिल करन लई टीम जेतू गिनी जाती है। बराबर अंकों की स्थिति विच पहला अंक हासिल करन वाली टीम नूं जेतू करार दिता जाता है। दो खिडावे होंदे हन यानी अंपायर, एक समा पर टाइम कीपर, दो लाइनमैन। कबड्डी खेडदे 26 चपेड़ जां उडवी कैंची मारनी मनाही हुंदी है। कोई हंग मरोड़ना जां जान के सट मारनी भी फाउल गिनी जांदी है। ये पंजाब स्टाइल कबड्डी दे बच्चे सारी है मेजरमेंट है और उन्दे टोटल बड़े ध्यान नाल याद करना, प्लीज रिमेंबर इट। पंजाब विच कबड्डी हरमन प्यारी होने के बावजूद अफसोस की गल है कि पंजाब के खेड अदारियां वल्लों कबड्डी की खेड नूं उन्ना महत्व नहीं दिता जांदा जो पछम वालों आईया खेडों नूं दिता जांदा है। दलील दी जाती है कि कबड्डी का घेरा केवल पंजाब जां आंढ गुआंढ के कुछ इलाकों तक सीमित है, जबकि हाकी, फुटबॉल ते क्रिकेट आदि अंतरराष्ट्रीय खेडां हन। कुछ खेड अधिकारी तो यह भी कहते हैं कि कबड्डी का चंगे तो चंगा खिडारी की खट लवेगा। दरअसल असी पंजाबी अपने सभ्याचार वालों वेसले हो चुके बहुती बार हैरान होरनी पासी लग जाते हैं। पंजाब दा कोई गबरू अंग्रेजा की खेड क्रिकेट के चार टले वधिया ला देवे तो उन्हों जस करन तो नहीं थकते, उन्हों दा जस करन तो भाव प्रशंसा करन तो इनामा सन्माना दे ढेर ला देंदे हैं, पर कबड्डी दे तनंतर खिडारी नूं अणगोलियां कर देंदे हैं। तनंतर मतलब जिहड़ा बहुत सियाना पहुंचिया है कह सकते हैं, या बहुत प्रसिद्ध हो, जिवें आपां क्रिकेट च देखिए सचिन तेंदुलकर दा नाम। हाँ जी, यानी उहदे च उन्होंने दस्सिया कि आपां नूं अपनी देश वल ध्यान देना चाहिए खेड वल। फिर भी कबड्डी के कई अजिहे खिडारी हैं जो अपनी खेड सदका पंजाबियों के दिलों में नायिका वर्गी थान बनाई हुई है।
इन्हें कबड्डी के खिडारियों के नाम आ गए। सरगोधे का बाबू फकीर मुहम्मद जिहड़ा टवाणिया की प्रसिद्ध कबड्डी टीम का कप्तान सी, उनके बारे की कहावत सी कौडी फकीर दी जावे पासे चीर दी। सुल्तान शाह अद्धे वाले की तक्कड़ तावी सी, उसनू टिवाणिया ने इनाम वजो दो मुरबे जमीन दिती सी जिसनों कोई माई का लाल डक नहीं सकिया। सिर्फ शाहजोर खिडारी तारा सिंह गट्टी वाला एक मैच विच उसकी बराबरी कर सकिया। पंजाबियों विच कृपाल सिंह साध आफत का जाफी सी, इस बारे मशहूर से कोई पंछी उड़ जाए तो उड़ जाए पर उनके मूहरे उठ के कोई बंदा नहीं सी निकल सकता। ये उन्होंने बारे कहावत प्रचलित हो गई सर, कहिंदे हन गुट की फड़ाई साध उत्ते खत्म सी, भाव गुट बहुत वधिया ढंग नाल पकड़ता सी कि विरोधी टीम का खिलाड़ी छुड़ा भी नहीं सकता सी। वह लगे हथ तीन तीन कैंचियां ला जाता साही नूं असला रोक दें रोल दिता। 1954 पाकिस्तानी पंजाब की कबड्डी टीम इधर मैच खेडन आई तो कृपाल सिंह ने उधरले धामियां नूं बन्न ला दिते। मैच पिछों हथ मिला के मैदान चो बाहर आउण लगे तो पाकिस्तान के एक धावी ने कहा, भाजी जी उंज तो तुहाडे हथ कूले जे हन पर खेडदे जदों तुसीं फड़दे सी तो जापदा सी जिवें साडे गुट वेलने विच आ गए हैं।